हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए बनाते हैं एक ब्यूटीफुल सा डीआईवाई मदर्स डे के लिए। सो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बॉक्स इस बॉक्स से। सो इस बॉक्स की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। सो ये बॉक्स ना मेरी मॉम के पास बहुत टाइम से रखा था और मेरी इस पर नज़र थी। मैंने सोचा ही था इसको कुछ ना कुछ तो कभी ज़रूर करूँगी। सो ये बॉक्स है, इस तरह ये ओपन होता है एंड इसमें एक्चुअली साड़ी आई थी बहुत अच्छी और उसके साथ कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। सो मुझे बहुत इसका शेप, साइज, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है इस बॉक्स की। और ये जो आप इस पर कवर देख रहे हो ना, दिस इज़ अ बेसिकली अ वेरी ब्यूटिफुल सिल्की टाइप ऑफ फैब्रिक। इसलिए मैंने अंदर से इसको कुछ जैसो वगैरह नहीं किया, मैंने इसको अंदर से तो एज इट इज़ रखा और मेरा मन भी नहीं है, शायद देखते हैं कुछ करेंगे या नहीं। सिर्फ टॉप पार्ट पे मैंने जैसो किया है और इस फ्लैप पे किया है। सो बस चलो मेकओवर करते हैं इसको आज। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने जैसो करके रखा हुआ है टॉप पे। अब मैं उसके ऊपर यूज़ करूँगी ये फिलामेंट पेपर। मेरी कुछ पहले वीडियोस में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, ये डेकोपैच की तरह ही होता है बट यस थोड़ा सा थिक होता है तो ईजी होती है इसकी पेस्टिंग। ठीक है, इसको हम बॉक्स के काइंड ऑफ सेंटर में प्लेस करेंगे इस इमेज को। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिटिल बर्डी का डेकोपैच ग्लू। अब आपको कोई भी ब्रश लेके उसको पहले स्प्रेड करना है जितने भी पोर्शन में आपको उसको लगाना है। अब मैं इसको एज इट इज़ पेस्ट कर रही हूँ, कुछ कटिंग मैं उसमें नहीं कर रही हूँ। आपको केयरफुली बॉक्स का सेंटर लेके देन आपको अपना टिश्यू प्लेस करना है और फिर धीरे धीरे उसको आपको हाथ से ही स्प्रेड करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, जितनी ज़रूरत है पहले उतना लगाइए, उसके बाद उसको पेपर को फोल्ड करके दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो। एक साथ आप ग्लू मत लगाना, नहीं तो वो ड्राई होता है और पेस्टिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती। सो इस तरह से ग्लू लगा के आपको बहुत लाइट हैंड से उसको प्रेस करना है ताकि उसमें क्रीजेज ना आए और फिर यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। अब जो बॉक्स का रेस्ट ऑफ द पार्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा इसको कुछ डिफरेंट कलर नहीं देना था, मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा था वो। तो उसके ड्रेसेस में जो कलर्स थे, जैसे पिंक है उसका ब्लाउज़ एंड उसका लहंगा, तो मैंने वही थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन रखा है। बॉक्स का कलर भी रेड है तो टोन्स ऑलमोस्ट वही है। सो मैं ग्लिटर पेंट यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे बॉल चेन यूज़ करेंगे इसको थोड़ा डिज़ाइनर लुक देने के लिए। बॉल चेन आपको इजीली किसी भी टेलरिंग शॉप में मिल जाएगी या स्टिचिंग के शॉप में। अब जो इसका बॉर्डर है, जो साइड से नीचे तक जो आ रहा है, वहाँ मैं इक्वल साइज़ के बॉल चेन्स पहले मैंने कट किए हैं लेंथ के एंड देन उनको हम पेस्ट करेंगे एक पैटर्न में ग्लू की हेल्प से। अगर आपके पास बॉल चेन अवेलेबल नहीं है तो आप बीड्स यूज़ कर सकते हो, आप कोई रोप भी यूज़ कर सकते हो। बीड्स आते हैं जो स्टिकर फॉर्म में ही होते हैं, बहुत इजीली वो एक साथ ही निकल जाते हैं, आप उन्हें भी लगा सकते हो। किसी भी लोकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा वो आपको। सो वो भी आप लगाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा। मेरे पास ये बॉल चेन रखी थी काफ़ी टाइम से तो मैंने कहा इसको इसी में यूज़ करते हैं। तो आपको बेसिकली बॉक्स का ना एक कॉम्पोजिशन बनाना है, एक पैटर्न बनाना है एंड देन उसको और हाईलाइट करना है डिज़ाइन को। तो इस तरह से मैंने साइड से लेके जो उसका फ्लैप है वहाँ तक ये चेन्स को लगाया। बैक साइड में भी मैं लगा रही हूँ, बॉर्डर पे भी मैंने लगाया है एंड देन सेंटर के जो स्पेसेस है वहाँ भी सिमिलर लेंथ में कट करके बॉल चेन्स यूज़ किए मैंने। अब बारी आती है जो खाली स्पेसेस है, वहाँ पे मैं 3D आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ, फेविक्रिल का गोल्ड वाला। सो इस तरह से जो भी आपके कलर्स हैं ना आपके टिश्यू में, आपके पेपर में, आपको वही यूज़ करने हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास फिलामेंट पेपर नहीं है तो आप कोई प्रिंट आउट निकाल के भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, अब ये 3D आउटलाइनर से मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं। अब उसके बाद जो एक्चुअल इमेज है उसको भी आपको थोड़ा एनहांस करना है, तो उसकी जैसे ज्वेलरी है, उनका दुपट्टा है, उस पर जो डिज़ाइंस हैं उसे भी हम वाइट और गोल्ड आउटलाइनर से ही हाईलाइट करेंगे। इसमें आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हो, बीड्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो पूरे बॉक्स में। बस यही होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और जिसके पास जो अवेलेबल है उससे अगर आप बनाओगे तो और भी बेटर है। हमेशा नई चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। सो यस, ये मैंने उनके दुपट्टे पे भी देखी कितना फ़र्क पड़ा है वो गोल्ड डॉट्स करने से। ऑलरेडी उस पर गोल्ड डॉट्स थे बट इससे जब ऊपर से किया तो और वो एनहांस हो गया उसका लुक। अब जो उनकी नोज रिंग है वहाँ पे भी एक छोटा सा रेड डॉट लगाऊंगी आउटलाइनर से
और बस ऑलमोस्ट रेडी है हमारा ब्यूटीफुल सा ज्वेलरी बॉक्स। मुझे बहुत ही मज़ा आया इसको बनाने में और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा लगेगा ये, बट येस आई डिड जस्टिस आई होप टू द बॉक्स बिकॉज वो एज इट इज़ बहुत प्रिटी था। होप यू इन्जॉयड वॉचिंग इट। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसको करके। मुझे शुरू से जो लोग फॉलो करें उन्होंने देखा होगा मैंने इनिशियली भी बहुत सारे बॉक्सेस डिज़ाइन किए थे, छोटे छोटे बॉक्सेस जो घर में ही रखे होते हैं, थोड़े से जो बेटर क्वालिटी के होते हैं उनको डिज़ाइन करने में तो और मज़ा आता है बिकॉज आपको एक बहुत अच्छा सर्फिस मिलता है काम करने के लिए। सो येस दिस इज़ माई गिफ्ट टू माई मॉम ऑन मदर्स डे। वो वीडियो तो शायद ये पहले ही देख लेंगी बट इट्स ओके। सो ओके आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।